कहने के लिए व्यापार का रास्ता है ये, इसके द्वारा बहुत हमारे देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ये देश में सरिया कानून वगैरह तो चलना नहीं है, भारत का संविधान चलेगा। राक्षस के भ्रांति लोग यज्ञ में पानी डालना चाह रहे हैं, क्योंकि इनसे मेरे देश में गलत फंडिंग बहुत आती है, जिनसे मेरे देश को नुकसान पहुँचाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और ब्राखू आपके साथ आस्था तिवारी। योगी सरकार के हलाल सर्टिफिकेट पर लिए गए एक्शन के बाद से मामला जो है गर्माता जा रहा है, बयानबाजी तेज है, हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। जहां जांचें चल रही हैं तो वहीं सवाल उठ रहा है कि आखिर हलाल सर्टिफिकेट के निकलने के बाद क्या वाकई देश में फिर एक बार धर्म की राजनीति तेज हो जाएगी या नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ योगी जी के सहयोगी बाबा जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। महाराज जी कैसे देख रहे हैं, हलाल सर्टिफिकेट अब निकाल दिया गया है, चर्चा तेज है। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ इंडिया के जो जितने तमाम दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा और मेरे देश के प्रत्येक नागरिक को अभिवादन करता हूं। भारत का प्रत्येक मानव, प्रत्येक जनता भारत के संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान के हिसाब से काम भी होना चाहिए। ये देश में सरिया कानून वगैरह तो चलना नहीं है, भारत का संविधान चलेगा। और ये हलाला प्रोडक्ट जो है इसमें बहुत फर्जीवाड़ा है, बहुत तरह की देश विदेश में भारत की नीतियों को बदनाम किए जाते हैं, इनके वजह से बहुत सारी फंडिंग होती है अपने देश में। ये कार्य जिस वीर लोगों ने करना प्रारंभ किया है, अब परम श्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे महाराजश्री हैं, उन्होंने जो ये कार्य किए हैं ये अकल्पनीय और तुलनीय कार्य के जितने भी आज तक आज के सबसे उत्तम कार्य आज किए हैं, मेरा मानना है। क्योंकि इनसे मेरे देश में गलत फंडिंग बहुत आती है, जिनसे मेरे देश को नुकसान पहुंचाए जाते हैं। लगता नहीं है कि इसके बाद धर्म की राजनीति तेज हो जाएगी और तेज हो भी रही है जिस तरीके से? मेरा मानना है दुनिया जलता है जलने दो, भारत की विकास का रिक्शा चलने दो। भारत की विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कार्य कर रहे हैं, मानव सेवा सदन बना रहे हैं, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, इनमें अनेक तरह की राक्षस के भ्रांति लोग यज्ञ में पानी डालना चाह रहे हैं। इसलिए इन सब बातों का प्रभाव आज का भारत, आज का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तम प्रदेश बन गया, ये लोग नहीं प्रवाह करते। ठीक है, तो हलाल सर्टिफिकेट से आप सहमत हैं कि जो जिस तरीके से इसको लेकर के तमाम प्रक्रिया की जा रही है, जांचें बैठाई गई, ये सब बंद कर देना चाहिए। उस पर एक ही भारत माता का बात होना चाहिए, तिरंगे की बात होना चाहिए, भारत की जो व्यापार बिजनेस का जो लाइसेंस है उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। कोई इसमें कवाला नहीं, कोई हवाला नहीं, कोई आलाला नहीं, ये सब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। माँ भारती के नाते, एक उनके एक नागरिक सामान्य नागरिक के नाते, समान नागरिक के नाते मेरा एक दायित्व भी है और मेरा ये इच्छा भी है कि देश में बराबर सब कार्य बराबर हों, सबका विकास हो, सबके लिए प्रयास हो, सबको सुख में रहे, पूरा भारत विश्व गुरु बने। ये हाँ, बताइए। हलाल का जो मुद्दा है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं आपसे कि हलाल के मुद्दे को जो बताया गया है कि इसको एक तरह से एक्सेप्टेंस कहा जाता है कि स्वीकार करना, और जो ये अभी तक का मांस मच्छी के पैकेट्स में लिख करके आता था, लेकिन अब ये जो है आटा दाल चावल रोटी इन सब के पैकेट में लिख करके आ रहा है। यही ना बात है, ये क्या करते हैं, ये गंदगी को सुगंधित चीज़ों में कैसे ना उसको बदनाम करेंगे। उनका जो डिपार्ट है, जो उनको जो करते हैं, जो हलाल है, जो भी है, वो उनके लिए ये सब चीज़ को एक नंबर में होना चाहिए। ये कहने के लिए व्यापार का रास्ता है ये, इसके द्वारा बहुत हमारे देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, भारत को बदनाम किया जा रहा है। ये नया भारत है, ये सबको मानना चाहिए, नया भारत है। नया भारत प्रत्येक आदमी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जीवन जीने का पद्धति सिखलाता है। तो इसमें कोई भारत में कहीं ना कहीं इससे रोक लग रही थी, नए भारत के जो निर्माण हो रहे हैं उसके रुकावटें करने के लिए ये सब खेला था, जिसको परम श्रद्धेय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इसके ऊपर संज्ञान लिए हैं और वो यशस्वी रहे हैं। पूरे 140 करोड़ जनता उनको आशीर्वाद दे रहा है, वो वैसे ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहे, इन लोगों को बाकआउट करते रहे, इनकी कार्य को बंद करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ में महाराज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि हलाल सर्टिफिकेट असल मायने में क्या है और इससे कहीं ना कहीं कोई बड़ी फंडिंग का काम किया जा रहा था और जो रोक लगाई गई है वो इसी के खातिर लगाई गई है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर, कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।